हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लाइंग फ्लाइंग कपल कपल व्लॉग्स व्लॉग्स में। में आज हम बात करने वाले हैं लिस्बन में आने के बाद आपको बिना टीआरसी और बिना लैंग्वेज कौन सी जॉब्स मिलने वाली है। ऐसी कौन सी जॉब है जो हाई डिमांड में और जिनमें सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लिस्बन में अवेलेबल जॉब्स के बारे में। लिस्बन में बहुत सारी ऐसी जॉब है जो बिना टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के आपको मिल सकती है, और ऐसी भी जॉब है जिनमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। अब लिस्बन में मिलने वाली जॉब्स में सबसे हाई प्रायोरिटी जो आप सभी को पता है, फूड डिलीवरी की जॉब है, ओपरा की जॉब है, एग्रीकल्चर की है और रेस्टोरेंट की है, ब्यूटिशियन की है। अब यहाँ पे फूड डिलीवरी की अगर बात की जाए तो उसमें आप जैसे ही लिस्बन आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, टीआरसी की जरूरत नहीं है। आप एक बाइसिकल परचेज कर सकते हैं, एक आप अपनी आईडी क्रिएट करानी है, उसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं जिसमें आपको आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद आप फूड डिलीवरी, ऊबर डिलीवरी या फिर बोल्ट डिलीवरी कर सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम वेजेस पर आवर 3 to 4 यूरोज मिलता है। हालांकि दोस्तों आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको बताया जाता है 5 से 6 यूरो मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वक्त के साथ आपकी रेटिंग कैसी होती है, लेकिन इनिशियली आपको 3 to 4 यूरोस पर आवर मिलते हैं। इसके बाद अगर ओपरा की बात की जाए तो वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है गाइस। मतलब अगर आप ओपरा से, मेरा मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको कोई बिल्डिंग चल रही है उसमें आपको पेंटर का काम करना है या फिर आपको उसमें बिल्डिंग मटेरियल पहुँचाना है, इस तरह की जॉब सबसे हाईएस्ट पेइंग है। वो मैं आपको बताऊँगा आगे कि उसमें कितना पे ग्रेड है। इसके बाद आती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब खेती का काम। खेती में आप कैसा कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की खेती हो सकती है। आपको कीचड़ में काम करना पड़ सकता है, बारिश में काम करना पड़ सकता है, पेड़ से फल तोड़ना हो सकता है, हर तरह का काम हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो इसके बाद है रेस्टोरेंट की जॉब। रेस्टोरेंट में आप डिशवॉशर का काम कर सकते हो, वेटर का काम कर सकते हो, क्लीनिंग का काम कर सकते हो। इसमें आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है और यहाँ पर हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन भी अच्छा कमा सकते हैं। हेयर ड्रेसर एक दिन में 40 से 50 यूरो कमा सकते हैं, जैसे कि नेल आर्ट वाले भी एक दिन में एक पर्सन से 20 to 30 यूरो कमा सकते हैं। हाँ, और हेयर ड्रेसर का मतलब ये है कि पर हेड 6 यूरो रेट चल रहा है। मतलब अगर आप 6 यूरो में अगर आप एक जेंट्स कटिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे लेडी कटिंग भी तकरीबन 15 यूरो 10 यूरो तक होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप वैक्स वगैरह का भी काम होता है ना, वैक्स वगैरह अगर आप कराने जाते हैं तो 15 यूरो आपसे वो चार्ज कर लेते हैं। अब ये वो सारी जॉब्स थी जो अभी हाई डिमांड में है और जिनके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज या फिर टीआरसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप टीवीडी, जो सबसे फेमस काम है कि टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइसेंस चाहिए, इंडियन हो पाकिस्तानी, उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीवीडी चलाने के लिए रेजिडेंसी कार्ड चाहिए, इसीलिए मैंने उस वाली जॉब को इसमें लिस्ट नहीं किया। ये फिर सिर्फ वो उन लोगों के लिए जॉब है जो भी आए हैं तुरंत और जिनके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है या फिर लैंग्वेज उनको नहीं आती। लेकिन फिर भी सबसे हाई प्रायोरिटी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के बाद आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी जॉब तो मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फूड बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी जॉब है जिनमें आपको सबसे ज़्यादा पे स्केल मिलता है, और कुछ ऐसा काम जो आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से अगर सीख के आते हैं तो यहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है। उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है ओपरा की, यानी पेंटर की, कंस्ट्रक्शन वर्कर की काम। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन वगैरह अगर आपको काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, तो ये ऐसी जॉब है जिनमें आपको दिन के 60 यूरो तक मिल सकते हैं, जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। अगर आप कहीं वेटर का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 20 to 30 to 35 यूरो तक आपको मिलते हैं। अच्छी जॉब करेंगे तो 40 डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन 60 to 70 यूरो 80 यूरो सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के काम में मिलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में आप 100 से 150 यूरो भी कमा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जैसे होटल में क्लीनिंग की जॉब आपको मिल सकती है, रिसेप्शन की मिल सकती है। रिसेप्शन में भी दोस्तों बहुत हार्डली ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज ही मांगते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आप जाओगे लैंग्वेज मांगेंगे। ये तो जॉब्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे लिस्बन में जॉब्स ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम जॉब सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट है OLX, फेसबुक, लिंक्डइन और इंडीड। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाने के बाद आपको जॉब सीसी मिल जाएगी। अब OLX की अगर बात की जाए तो यहां पे OLX में सर्च बॉक्स में जाने के बाद आप अपना प्रोफेशन, प्रोफेशन से मेरा मतलब है वेटर हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, किचन हेल्पर हो सकता है, इस तरह की जॉब आपको सर्च करनी है।
वहाँ पे आपको अपना लोकल एरिया डालना है। अगर आप लिस्बन में हैं तो लिस्बन डालेंगे, लिस्बन में भी आप अपना एरिया डालेंगे, जैसे अलकांत्रा है, अलमादा है, या फिर अगर पोर्टो में है तो वहाँ पे आप डालेंगे। वो डालने के बाद आपको सर्च करनी है और अवेलेबल जॉब्स आपके सामने आ जाएगी। सेम गोज़ विद फेसबुक, जहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करनी है जॉब्स, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। अब इसके अलावा अगर इंडीड की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको सेम करना है, अपनी सारी प्रोफाइल डालनी है और सर्च कर लेना है। अच्छा, इन सबसे पहले आपको अपना सीवी क्रिएट करना है। वो सीवी कैसे बनेगा, पोर्टुगल फॉर्मेट में कैसे बनेगा, यूरोपियन फॉर्मेट में कैसे बनेगा, वो बहुत ही सिंपल है। उसका एक मिनिमम सा चार्ज है 2 to 3 euros, 5 euros, तो वो आपको पे करना है, वो बन जाएगा। अगर आप हमसे वो सर्विस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो आपका सीवी बना देंगे। बहरहाल यहाँ पे बात करते हैं अब लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, और लिंक्डइन स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक्निकल ये स्किल वर्कर्स हैं, जैसे आईटी वाले प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर ये आप प्रोफेशन रखते हैं तो यहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है, वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ये वो सारी जॉब्स थी जो आपको मिल सकती है, लेकिन ईजिली मिल सकती है ये मैं नहीं बोलूँगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में हमें पिन कर दीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम बनी क्लिक्स पर भी जाके वहाँ पर हमें ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज, वहाँ से आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।